फाइनली दोस्तों हमने जियो का नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लिया है जो कि है दोस्तों बहुत ही सस्ता। हमारे मोबाइल का एक महीने का जो रिचार्ज होता है उससे भी सस्ता जियो का नया इंटरनेट कनेक्शन लगा है, जिसमें दोस्तों हमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। कंप्यूटर, मोबाइल और हमारे घर में जितनी भी डिवाइसेज हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली, वो सारी के सारी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कितने का मैंने कौन सा प्लान लिया है और हमें ये कितने का मिला है और कितना सस्ता मिला है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जियो का मैंने नया इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया है जो कि है दोस्तों जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और इस जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन में दोस्तों हमें कितना चुकाना पड़ा है ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप महीने का रिचार्ज करवाते हैं दोस्तों उससे भी सस्ता ये हमें पड़ गया है। महीने का अगर हम रिचार्ज अगर 500 का भी कराएं तो अनलिमिटेड इंटरनेट हम नहीं यूज कर पाएंगे, जिससे हम अपने सभी के सभी डिवाइसों को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो कनेक्शन का प्राइस है मात्र 198 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम इसका हमारा जो कनेक्शन है जो प्लान है वो हमने लिया है। लेकिन दोस्तों जो 198 रुपये है उससे भी सस्ता हमारा ये 6 महीने का पड़ा है। सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको कैसे बुक करना है और किस प्रकार से ये आपको लगवाना है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप भूल चुके हैं कि आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि भविष्य में भी आपको तमाम सारी नई नई जानकारियाँ मिलती रहें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं अपना एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि 499 प्लस वो हमारा 588 का पड़ जाता था GST वगैरह लेके, उसका उसकी स्पीड थी 40 MBPS, उसको मैंने हटवा दिया। उसके बाद से दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना एक नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाया जाए। तो दोस्तों हमने इस बात किया, एक जियो वाला बंदा था वो कि मोहल्ले में लगा रहा था, तो दोस्तों उससे हमने बात किया। बहुत होते जाते दोस्तों उसने मेरा 1200 रुपये में एक नया कनेक्शन लगा दिया। अब 1200 रुपये में कैसे लगा दोस्तों, पड़ता तो इसका लगभग 1700-1800 रुपये है। तो दोस्तों मैंने उससे बहुत बातें वगैरह की और उससे मैंने कहा कि वो 1600 वो बोल रहा था, 1600 कुछ रुपये बोल रहा था प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ बोल रहा था। हमने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगाना हो तो इतने में लगा दो, आप मेरा नंबर ले लो और आपको जब लगाना हो लगा देना। तो मुझे लगवाना तो बहुत ज़रूरी था, मैंने तो ऐसा उससे कह दिया। फिर मैं चला आया और उसके बाद कुछ देर के बाद इसका कॉल आता है मेरे पास और ये बोलता है कि भैया आपका कहाँ लगना है। तो हमने कहा कि भैया मैंने आपको प्राइस बताई है, कह रहा नहीं कुछ बोल जाइए। तो मैं एटलास्ट में 50 रुपये में बढ़ा, 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा और दे दिया उसे, बाकी वो आके मेरे पास लगा दिया। इसमें दोस्तों आपको क्या रहेगा, आपका पोल से लेके घर के अंदर तक ये अच्छी तरीके से फिटिंग करेंगे वायर की, अच्छी तरीके से जैसे देख रहे हो आप लोग वीडियो में लगा रहे हैं ये अच्छी तरीके से लगा देंगे, दो बंदे रहेंगे। उसके बाद से एक राउटर देंगे आपको और राउटर के साथ और भी वायर वगैरह देंगे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। आपको एक लैंडलाइन नंबर भी फ्री में मिल जाएगा जिससे अनलिमिटेड आप बात कर सकते हैं। अनलिमिटेड इसमें आपको इंटरनेट मिलेगा जो कि दोस्तों आप अपने इंटरनेट से या अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, और घर में जो भी डिवाइसें हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका काम नॉर्मली काम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है और आप लगवाना चाहते हैं लेना चाहते हैं प्लान 198 रुपये वाला, तो अब 198 रुपये वाला प्लान में क्या है ये भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों इसमें 10 MBPS स्पीड है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से तेज होगी और आपके घर में सब कोई इंटरनेट आसानी के साथ चला सकता है और व्हाट्सअप कॉल कर सकता है। बाकी लैंडलाइन नंबर रहेगा तो लैंडलाइन नंबर से भी आप कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटली आप लोग समझ लीजिएगा, आपको इसके साथ एक अलग से मिनी इन्वर्टर आता है जो कि दोस्तों 600-700 रुपये का मिल जाता है मार्केट में। उसको अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो अगर आपके वहाँ लाइट नहीं रहेगी, लाइट कट जाती है जैसे होता है ना बिजली बारिश में कट गई या आंधी तूफान आया कट गई, तो उस केस में भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल रहेगा, आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके चला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में अगर और कोई सवाल हो तो हमसे कीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद।